आज से कुछ दशक पहले तक जो हमारा समाज था पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन पिछले 2-3 दशकों के दौरान महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन आया है और आज की सामाजिक परिस्थिति में प्रत्येक महिला एक स्पेशल स्टेटस रखती है। हर महिला कुछ खास है हमारे लिए। इसी दृष्टिकोण से हमने इस प्रदर्शनी का शीर्षक हर महिला कुछ खास रखा। आम धारणा है कि बिहार में जो समकालीन कला है वो पिछले 2-3 दशकों की ही है। बिहार म्यूजियम में अभी तक जितने भी एग्जीबिशन हुए हैं मुख्य रूप से कंटेम्पररी आर्ट के ही एग्जीबिशन हुए हैं। बिहार म्यूजियम के इतिहास में पहली बार फोक और कंटेम्पररी दोनों आर्ट की एग्जीबिशन लगी है। मल्टीपर्पज हॉल में हम लोगों ने लोक कला का एग्जीबिशन आयोजित किया है और इस गैलरी में समकालीन कला की एग्जीबिशन लगाई गई है। लोक कला गैलरी में जाएंगे तो देखेंगे कि 5-5 पद्मश्री की पेंटिंग वहाँ एग्जीबिट है, चाहे मधुबनी पेंटिंग हो या इस साल जिनको पद्मश्री मिला है पेपर मेसी में श्रीमती सुभद्रा देवी, सभी की कला कृतियाँ वहाँ प्रदर्शित है। और बिहार के जितने लोक कलाएँ हैं कमोबेश सभी लोक कलाओं को हम लोगों ने उस प्रदर्शनी में शामिल किया है। कई कंटेम्पररी आर्टिस्ट और लोक कला में तो मुझे लगता है कि 50% जो कलाकृतियां हैं वो सब उसकी बिक्री हो गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने पसंद किया है। एक एक कृति की कीमत लोक कला के मैं बात करूं तो 1.5-2 लाख रुपये तक में एक पेंटिंग बिक रही है।